हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको मेरे इंडोर प्लांट की सीरीज़ में अगला प्लांट दिखाने जा रही हूँ। ये है फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी, और ये वैरायटी थोड़ी सी अनकॉमन है या फिर रेयर, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। ये फिलोडेंड्रॉन मैमे है या फिर फिलोडेंड्रॉन मैमी, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, और फिलोडेंड्रॉन मैमे इसका बॉटनिकल नेम है। ये आरएसी फैमिली से बिलोंग करता है और नेटिव है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, जैसे कि साउथ अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो कंट्रीज़ है वहाँ से ये बिलोंग करता है। और इसकी बहुत सारी फिलोडेंड्रॉन की जो अलग अलग वैरायटीज़ है, एज ए इंडोर की तौर पर हम जो लगाते हैं उसमें से ही ये और एक ये वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ी सी फसी वैरायटी है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये रेयर है। इसका जो प्रोपोगेशन है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, रेट ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम है इसका। अगर हम कटिंग से इसको प्रोपोगेट करते हैं तो आउट ऑफ 10 आप एक या दो इसको प्लांट्स बना सकते हैं, बाकी के 8 का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। यानी कि इसलिए ये अनकॉमन या फिर रेयर प्लांट है। ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं या पत्तों की ब्यूटी के लिए इसको लगाया जाता है, फॉलीज ब्यूटी के लिए। और जहाँ पर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये तीनों कंडीशन जहाँ पर इसके फेवरेबल है वही ये सर्वाइव करता है। अदरवाइज ये पूरे साल तक इसके कोई लीव्स निकल नहीं आते, पत्ते निकल कर नहीं आते, सिर्फ इसका स्टेम रह जाता है। यहाँ पर देखिए, ये नया पत्ता आया है, इसका नया लीफ है, ये नई ग्रोथ है इसकी। और इसके जो एम्बॉस्ड वेनेशन है प्रोमिनेंटली आपको दिख रहे हैं, और इसके ऊपर ये सिल्वरी कलर या फिर एक सिल्वरी लेयर आता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ये यंग लीफ है, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट ये सिल्वर टिंज आई है। ऐसे हम जो और एक वैरायटी होती है इंडोर प्लांट की, स्किंडोप्सिस पिक्टस या फिर सिल्वर पोथोस जिसे बोलते हैं, उससे ये सिमिलर दिखता है, ये सिल्वर लेयर की वजह से इसके ऊपर के। ये इसका पहले वाला लीफ है या फिर ओल्डर लीफ है थोड़ा सा। और यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन आया था लास्ट वीक में, तब से ये येलोइंग इसका स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है थोड़ा भी टेम्परेचर राइज हो गया तो इस प्लांट के पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसके जो सारा ब्यूटी है धीरे धीरे आपको अच्छा नहीं लगता प्लांट इसका मतलब। इसलिए ये बहुत ही एक फसी प्लांट में जो बोली वैसा है, थोड़ा भी टेम्परेचर राइज हुआ या फिर पानी जो हम देते हैं पानी के साइकिल में फ्लक्चुएशन हुआ तो भी ये प्लांट थोड़ा सा डैमेज होता है, इसके पत्ते डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो बाकी का जो हम सॉइल कल्चर या फिर इसका सॉइल कंपोजिशन देखें तो आमतौर पर जो बाकी के इंडोर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वैसा ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, 10% गार्डन सॉइल और सैंड, ऐसा इसका मैंने कल्चर यहाँ पर यूज़ किया है। हाँ, बाकी का मैंने लीफ कंपोस्ट डाला है इसमें। लीफ कंपोस्ट इसलिए इस प्लांट का फेवरेट है, जो जंगलों में ये प्लांट जब आते हैं तो लीफ ह्यूमस के ऊपर आते हैं, या ह्यूमस यानी कि जब फॉरेस्ट में लीफ का एक लेयर तैयार हो जाता है और लीफ फॉल के सीज़न में लेयर के ऊपर लेयर ऐसे पत्ते गिरते जाते हैं, और जब मॉनसून सीज़न आता है या फिर रेनी सीज़न आता है तब उसका डीकेइंग स्टार्ट हो जाता है। वो जो डीके लेयर होता है पत्तों का या लीव्स का, उसको ह्यूमस कहते हैं। वो प्योर नाइट्रोजन रिच एक फर्टिलाइज़र की तरह ज़मीन के ऊपर या फिर सॉइल के ऊपर लेयर तैयार हो जाता है, और उसी में ये प्लांट यहाँ पर जो देख रहे हैं ये प्लांट उसी लेयर में ज़्यादा आते हैं, या फिर वो उसका फेवरेट फर्टिलाइज़र है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ जब हम इसको लगाते हैं घर पे या फिर हम कल्टीवेट करते हैं इसको, तब इसका जो सिमिलर
लीफ कंपोस्ट होता है या फिर ह्यूमस का जो सिमिलैरिटी जिस कंपोस्ट में मिलती है तो लीफ कंपोस्ट में हमें मिलती है। तो लीफ कंपोस्ट इस प्लांट का फेवरेट है और आपको ज़रूर इसको लीफ कंपोस्ट डालना चाहिए जब हम इसको सॉइल में लगाते हैं या फिर इसकी जो सॉइल तैयार करते हैं तब लीफ कंपोस्ट ज़रूर डालना चाहिए। ये प्लांट मैं लास्ट 6-7 ईयर से ग्रो कर रही हूँ, हार्डली 7 ईयर्स हुए हैं, लेकिन एवरी ईयर मुझे इस प्लांट का एक्सपीरियंस अलग अलग आता है। पहले तो इसके सिर्फ एक ही लीफ निकल आता था, दो तीन साल से इसके दो पत्ते निकल के आ रहे हैं। पहले 3 साल तो सिर्फ एक ही लीफ निकल आता था और पूरी साल तक वो रह जाता था, लेकिन 2-3 साल से दो लीव्स निकल आते आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये लीफ अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो ये वैसे ही रहते हैं, 6-7 महीने तक ऐसे ही ये लीव्स इस प्लांट के ऊपर रहते। अदरवाइज़ थोड़ा इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो गया तो पत्ते ये धीरे धीरे येलो होके दोनों पत्ते निकल जाएंगे या फिर पूरे पत्ते निकल जाते हैं, और ये जो नीचे स्टेम देख रहे हैं सिर्फ ये स्टेम रह जाता है, और इसके ऊपर ये जो पॉइंटेड कैलेक्स देख रहे हैं वो सिर्फ इसका रह जाता है। ये जो कैलेक्स मैं बोल रही हूँ ये पूरे साल तक ग्रीन रहना चाहिए, ये अगर सूख गया तो ये प्लांट अगली साल आपको कोई भी लीफ डेवलपमेंट नहीं देगा या फिर ये प्लांट मर जाता है। ये जो कैलेक्स होता है यहाँ से ही इसके नए पत्ते निकल आते हैं। ये इतना जो नीचे का पोर्शन है ये स्टेम है इसका, और एरियल रूट्स भी आप स्टेम के ऊपर देख रहे हैं। ये देखिए ये सारे इसके एरियल रूट्स हैं, ये सिर्फ ऊपर का जो ये ग्रीन पोर्शन है वहाँ से इसकी लीफ निकल आते हैं। तो ये ऐसा फिलोडेंड्रॉन है जिसकी केयर हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लुक देने वाला, पत्तों की ब्यूटी देने वाला फिलोडेंड्रॉन है। अगर आप लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन नर्सरीज में ये अवेलेबल है, और वैसे तो रेयर है, देखना चाहिए कहाँ पर ये अवेलेबल है वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। और जब भी इसका आप सॉइल कल्चर या फिर पॉटिंग मिक्सचर बनाते हो तो केयरफुली बनाना पड़ता है आपको। इसको फंगस के भी थोड़ा इश्यू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन को ये जल्दी मर जाता है, फंगल इन्फेक्शन इसको जल्दी लग जाता है रूट्स को, और जल्दी मरने की संभावना होती है। इसलिए पॉट आप जिस पॉट में लगा रहे हो वो थोड़ा सा स्टरलाइज करके हाइड्रोजन परॉक्साइड से स्टरलाइज कीजिए और उसके बाद ही इसकी पॉटिंग कीजिए। अदरवाइज़ मेरा एक प्लांट ऐसा फंगस की वजह से मर गया है, तो फंगस के लिए ये सेंसिटिव प्लांट है, और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर और टेम्परेचर को भी बहुत सेंसिटिव प्लांट है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो इन सारी फेवरेबल कंडीशन देख के आप लगा सकते हो और एक ब्यूटीफुल प्लांट आप ग्रो करने का आनंद ले सकते हो। तो ये था फिलोडेंड्रॉन मेमी, एक रेयर प्लांट जिसके बारे में मुझे ये जो मैंने जानकारी दी है वो पूरी जानकारी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस प्लांट के बारे में वही मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।